गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8। मैंने नहा धो भी लिया है और पूजा भी कर ली है। आप देख सकते हैं सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और ये देखिए प्लांट भी बहुत अच्छे लहरा रहे हैं मेरे, देख सकते हैं मस्त लग रहे हैं और इतना अच्छा व्यू लग रहा है। तो पूजा करने के बाद मन हुआ थोड़ा बाहर बैठ लेते हैं, तो बाहर बैठ के चले आए। तो फिर मैंने सोचा आज की ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं, तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हम जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आपको दिखाते हैं। कल मैंने कुछ पार्सल मंगाया था, तो पार्सल में क्या आया है तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो गाइस, नाश्ता लेके हम आ चुके हैं। ये देखिए नाश्ता लेके आ चुके हैं। तो नाश्ते में आप देख सकते हैं चावल फ्राई हैं और एक पराठा है। पराठा रात का है तो मैं लेके आई, क्योंकि सारा दिन मेरे से नहीं खाया जाता दाल चावल या फिर पराठा। दाल चावल पराठा बस यही दोनों खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं हैं जब से ये गए। तो मेरी तो इन लोगों ने बाट लगा दी, तो मैं थोड़े से चावल लेके आई और पराठा रखा था वो लेके। तो चलिए नाश्ता करते हैं। गाइस, नाश्ता पानी करके हम रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट कर लिया, अब क्या करना है। मैंने आपको बोला था हम आपको पार्सल दिखाएंगे, तो मैंने मंगाया है पार्सल का। ये पार्सल तो आ गया, बट ये थोड़ा सा कटा हुआ है। तो आई हो इसको जब खोलें तो अंदर जो भी मैंने मंगाया वो कटा ना निकले। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो चलिए पार्सल ओपन करते हैं। ये है फर्स्ट साड़ी। ये है सेकेंड। ये मैंने बड़ी बहन के लिए मंगाई है, ये छोटी बहन के लिए और ये अपने लिए। तो अब इनको ओपन करते हैं, देखें कहीं कट फट तो नहीं है। वैसे तो इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी, तो चलिए ओपन करते हैं। तो देखिए ये पैरेट ग्रीन वाली साड़ी का ब्लाउज है, ये एकदम सही है। साड़ी भी ऑलमोस्ट सही है, कहीं भी कट फट का निशान नहीं। सही है। देखिए साड़ी भी सही लग रही है, इसमें भी कहीं कट फट का निशान नहीं है, मैंने देख लिया पूरा। ये भी सही है, ये इसका ब्लाउज है। ये देखिए रेड कलर की है। इसमें भी कहीं कट फट का निशान नहीं है। तो अब मैं अपनी साड़ी का ये पैरेट ग्रीन वाली की फॉल लेके आऊँगी, इसमें फॉल लगाऊंगी, इसको रेड करूँगी। तो आप लोग गाइस बताना मेरी साड़ियों के कलर कैसे लगे, सबसे अच्छा कलर आपको कौन सा लगा। जब हम मार्केट जाएंगे फॉल लेने तब आपको ज़रूर दिखाएंगे। गाइस, भिंडी की यूनिक रेसिपी बनाने के लिए ना मैंने ये देखो भिंडियाँ ली थी, इनको धुल के और दो टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसको हम बाउल में डाल के थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा या बेसन भी मिला सकते हैं। फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए डीप फ्राई के लिए तैयारियां करते हैं, बना लेते हैं। ये हो गई ना क्रिंची क्रिंची एकदम भिंडियाँ मेरी बढ़िया सी। आप इसको दाल जो बनी रहती, दाल रोटी जो हम लोग खाते हैं घर में, दाल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी भिंडी एकदम बन के रेडी हो गई। अब इसके लिए मसाला बना। तो गाइस देखिए ये मसाला हम इसमें भून रहे हैं, मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तो इसमें हम भिंडी को ऐड कर। खाना तो बना दिया है पूरा, भेज सब्जी भी बना दी, रोटी बना दी है, बच्चे आए नहीं हैं और हम भी पूरा पसीना पसीना हो गया किचन में गए। बहुत गर्मी लग रही, उमस सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी बच्चों का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं बस आने वाले हैं 10-15 मिनट में। आप देख सकते हैं आरा पीयू देखिए जा रहे हैं कोचिंग के लिए। अभी मौसम तो पानी जैसा हो रहा है बट पानी नहीं बरस रहा, नीचे बच्चे खेल रहे हैं। इसके आगे बंद है, काम चल रहा है।
सारा पीयू आ चुके थे कोचिंग से, फिर बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे चलो सुमित्रा मार्केट चलेंगे थोड़ा, कल नाश्ते के लिए ब्रेड लेके आते हैं, दूध ख़त्म हो गया है, दूध लेके आते हैं, और साड़ी आपको जो दिखाई थी उसकी फॉल लेके आते हैं, एक साड़ी और रखी है उसकी भी फॉल लेके आएंगे, मिल जाएगी तो अभी चलते हैं। जैसे ही तैयार हुए तो पानी बरस रहा है, पानी स्लो हो जाए फिर हम चलते हैं लेके आते हैं सामान। चलो हम लोग चलते हैं नीचे, अपने अपने घरों के बाहर खड़े हैं, कोई कुछ सामान लेने जा रहा है, और ये व्यू है। हम लोग अभी आ चुके हैं, क्या कहते हैं, सामान लेके जो जो जरूरत थी, तो हम लोग लाए दूध, 2 लीटर दूध, उसके बाद ब्रेड, कल सैंडविच बनेगा, फिर ये क्या कहते हैं, नमकीन, पास्ता, पोहा, और ये दाल, कौन सी दाल है इसका नाम मेरे को बता दिए, और समोसा। आपने पीयू और हम गए थे सुमित्रा मार्केट, तो सुमित्रा मार्केट से हम सामान लेके आ गए थे, पीयू ने आपको दिखाया ही होगा, फिर हम चले गए हरा धनिया लेने, क्योंकि सुबह इन लोगों के लिए सैंडविच बनाना है तो हरा धनिया था नहीं, तो इसलिए हरा धनिया लेके आए। और फिर आने के बाद बर्तन वगैरह पड़े थे, इनके स्कूल के टिफिन वगैरह थे, और जो भी खाया था वो बर्तन थे वो धुले, और साथ ही इनके स्कूल की यूनिफॉर्म थी तो मैंने कहा धुल देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो जल्दी सूखते हैं नहीं, आज धुलेंगे तब कल साफ तक सूखेंगे तभी तो प्रेस हो पाएगी। फिर इन लोगों से पूछा अभी क्या बनाते हैं, इन लोगों ने बोला पोहा बनाओ, अजीबोगरीब डिमांड है इन लोगों की, रोटियां तो खानी नहीं है, तो अभी हमने पोहा बनाया है, तो चलिए अब इनको पोहा बना के देते हैं। देख सकते हैं पोहा बन के रेडी हो गया है, तो अभी हम इन लोगों को दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि गर्म है फिर ठंडा हो जाएगा, बारिश का मौसम है कोई भी चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है, तो चलिए देखते। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, बर्तन उठा के मैंने सिंक में रख लिए हैं, और दूध लाए थे तो दूध मैंने कहा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी दूध पीने के लिए भी देना है इन लोगों को, तो दूध गर्म हो रहा है जब तक हमारे बर्तन धुल जाएंगे। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तब तक के लिए बाय।